सपोर्ट किया है और मुझे पूरा न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की है। एक साल क्यों लगा डीसीपी के सामने आप ये सब मेरी पुलिस में बात हो चुकी है। गोपाल सर ने भी मेरे लिए एक्शन लिया है, हमारे एमपी साहब ने। अब इसके आगे मुझे कुछ भी मीडिया को ऐसा नहीं बताना। मेरा पूरा सपोर्ट किया है बोरीवली पुलिस ने, बोरीवली पुलिस ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है और मुझे न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है। और जो हमारी मोर जो आई है यहाँ की मेहर, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। इतने ये बड़े बड़े लोग जो मेरे लिए आए हैं आज, महिला के लिए, ये महिला जो आई है, आज चार महिलाओं ने जो मेरे ऊपर आरोप किया और मुझे मारपीट की, मैं उसके लिए इन सबको और पुलिस को धन्यवाद, इन पुलिस को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है और मुझे पूरा न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की है। ये सब मेरी पुलिस में बात हो चुकी है। गोपाल सर ने भी मेरे लिए एक्शन लिया है, हमारे एमपी साहब ने। अब इसके आगे मुझे कुछ भी मीडिया को ऐसा नहीं बताना और आरोपी को सजा मिलेगी, आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने ये कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। और मैं मराठी नहीं बोलती, यहाँ तक आने में एक साल का वक्त क्यों लगा? जानबूझ के ऐसा आरोप लगाया गया है, ये बीजेपी जानती है। मैं बीजेपी कुठलाही येण्याकेले आणि पोलीस म्हणतात या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये कुठेही आम्ही कुचराई करणार नाही, अटक करणार नाही। ताई चित्रावागेने अशी टीका केलेली आहे की ज्या वेळेला संजय राठोड यांचं प्रकरण आलं होतं, काही शिवसेनेच्या नेत्यांवरती त्यांनी आरोप केलेले आहेत, त्यावेळेला शिवसेनेचं मला ना रडणाऱ्या बाईंबद्दल काही बोलायचं नाहीये। आणि ते नुसता असे आरोप प्रत्यारोप नको, प्रत्यक्षात आपण सगळ्यांनी मिळून ज्या ज्या ठिकाणी आहे, मुळात संजय राठोड यांच्यावरती जेव्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले त्याची पण पोलिसांनी पूरी जानकारी करून बाहेर आपल्यासमोर आणत आहेत। पक्षांनी सुद्धा तत्काळ बाजूला करून त्याची वस्तुस्थिती घेतली, त्यामुळे हे असं झालं म्हणून ते तसं नका। महिलांवर अन्याय, सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपण न्याय देऊ। राजकारण केलं जात नाहीये, होत आहे, आपणच म्हणताय म्हणून म्हणते हो होत आहे। त्याच्यामध्ये इथे ज्या ज्या वेळेला म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल की शिवसेनेची महिला गाडी सगळीकडे गेली आहे, त्यावेळेला तिथे पण आवाज उठवले, म्हणजे असं नाही की आवाज नाही उठवत। आता मी माझ्याकडे वेगळ्या पक्षात येऊन मी माझा अजेंडा दाखवण्याचा प्रयत्न असेल तर त्याला आमचा नाईलाज आहे। आम्ही फक्त कुठल्याही महिलावर अन्याय होऊ दे आम्ही त्याच्यासाठी उभे। इथे फायदे तोटे बघण्यापेक्षा घरामध्ये आपल्या आपण स्वतः स्त्री आहोत एवढं तरी लक्षात ठेवलं तरी खूप झालं। मुझे मुंबई पोलीस का गर्व आहे। मुंबई पुलिस ने वस्तुस्थिति और वस्तुनिष्ठ जो रिपोर्ट करना चाहिए उनके सामने आने के बाद, और उन्होंने किया है, उन्होंने न्यायालय में भी वो जानकारी दे के उनकी एक रजामंदी मांगी है। और मुझे लगता है मुंबई पुलिस हमेशा या महाराष्ट्र पुलिस भी हमेशा कुछ महिलाओं के लिए तो आगे जाके काम करते हैं और तुरंत करते, तो उसके लिए पुलिस के ऊपर हमारा प्रश्न चिन्ह है नहीं। ओनली जो जिनका नाम लिया जाता है उनके ऊपर दबाव नहीं आना, किसके भी जिन्होंने गुनाह किया है और वो खुद महिला कह रही है, तो वस्तुस्थिति और वस्तुनिष्ठ देख के कार्रवाई करो। आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ कहा गया? कार्रवाई करो बोले ना मैडम। एक नया मामला सामने आया है 14 साल की लड़की के साथ, सभी मिली डीसीपी साहब मिली, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निष्कर्ष? मुझे मुंबई पुलिस का गर्व है। मुंबई पुलिस ने वस्तुस्थिति और वस्तुनिष्ठ जो रिपोर्ट करना चाहिए उनके सामने आने के बाद, और उन्होंने किया है, उन्होंने न्यायालय में भी वो जानकारी दे के उनकी एक रजामंदी मांगी है। और मुझे लगता है मुंबई पुलिस हमेशा या महाराष्ट्र पुलिस भी हमेशा कुछ महिलाओं के लिए तो आगे जाके काम करते और तुरंत करते, तो उसके लिए पुलिस के ऊपर हमारा प्रश्न चिन्ह है नहीं। ओनली जो जिनका नाम लिया जाता है उनके ऊपर दबाव नहीं आना, किसके भी जिन्होंने गुनाह किया है और वो खुद महिला कह रही है,
तो वस्तुस्थिति और वस्तुनिष्ठ देख के कार्रवाई करो। आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ कहा गया? कार्रवाई करो बोला। बजो बजो